सीरीज ऑफ टेक्निक एनालिसिस के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंट्राट्रेडर। पिछले एपिसोड में हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में उनके टाइप के बारे में जाना, साथ साथ गोल्डन रूल ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, मोरी बाजू, स्पिनिंग टॉप, डॉजी, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न पर भी की थी विस्तार से चर्चा। आइए जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या है खास। आज के एपिसोड में जानेंगे आइडेंटिकल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो दिखने में काफी सिमिलर हैं, पर आप उनमें डिफरेंस करना सीख गए तो आने वाले बड़े मूव को आसानी से कैप्चर कर पाएंगे और अपने प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा पाएंगे। तो चलिए जानते हैं पेपर अम्ब्रेला वेस्ट के टाइप, हैमर और हैंगिंग मैन को। तो चलिए शुरुआत करते हैं पेपर अम्ब्रेला से। पेपर अम्ब्रेला एक ऐसा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो ट्रेडर को अपनी ट्रेड की दिशा तय करने में काफी मदद करता है। पेपर अम्ब्रेला का असर समझने के लिए ये देखना जरूरी होता है कि वो चार्ट पर कहाँ बना होता है। एक पेपर अम्ब्रेला में दो तरीके के ट्रेड रिवर्सल पैटर्न पाए जाते हैं, जो हैंगिंग मैन और हैमर होते हैं। हैंगिंग मैन पैटर्न मंदी का पैटर्न होता है, यानी एक बेयरिश पैटर्न होता है, जबकि हैमर एक बुलिश यानी तेजी का पैटर्न होता है। पेपर अम्ब्रेला में एक लंबा शैडो होता है और छोटी रियल बॉडी होती है। तो चलिए चित्र के माध्यम से आपके सभी डाउट को क्लियर कर देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है पेपर अम्ब्रेला का चित्र, और यही हैंगिंग मैन है और यही है हैमर। ये तीनों दिखने में काफी सिमिलर होते हैं, इसलिए इन्हें आइडेंटिकल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। बस आपको इनमें डिफरेंस करना है ताकि आप अपनी ट्रेड को इनिशिएट कर पाएं। अगर आप पेपर अम्ब्रेला को तेजी के चार्ट में देखते हैं तो आप उसको हैंगिंग मैन बोलेंगे और ये अंदाजा लगाएंगे कि अब यहाँ से तेजी का जो ट्रेंड था वो खत्म हो चुका है और आने वाला ट्रेंड बेरिश होने वाला है। तो आप अपनी पुरानी लॉन्ग की पोजीशन को वहां पर स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं और साथ ही साथ एक फ्रेश मंदी की पोजीशन बना सकते हैं, यानी वहां से आप शॉर्ट कर सकते हैं ताकि आने वाले बेरिश ट्रेंड में आप प्रॉफिट कमा सके। और अगर पेपर अम्ब्रेला को आप मंदी के चार्ट में देखते हैं तो उसे हैमर बोलेंगे और आप वहां से ये अनुमान लगाएंगे कि आने वाला ट्रेंड बुलिश ट्रेंड होने वाला है और अपनी पुरानी शॉर्ट की पोजीशन वहां काट देंगे और फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे ताकि आने वाले बुलिश ट्रेंड में आप अपना प्रॉफिट बना सकें। इसी तरह से हम पेपर अम्ब्रेला के दोनों टाइप में अंतर समझ सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी देख पा रहे होंगे कि पेपर अम्ब्रेला की रियल बॉडी काफी छोटी है और पेपर अम्ब्रेला की ये खासियत है इसकी लोअर शैडो कम से कम उसकी रियल बॉडी की दो गुना होनी चाहिए। इसे शैडो टू रियल बॉडी का रेशियो कहते हैं। इसके आधार पे भी आप पेपर अम्ब्रेला को पहचान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए पेपर अम्ब्रेला के टाइप हैमर को विस्तार से समझते हैं। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि हैमर एक बुलिश पैटर्न है और यदि हम इसे बुलिश हैमर बोले तो यह भी गलत नहीं होगा। बुलिश हैमर एक बेहद ही महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न है जो भी किसी ट्रेंड के नीचे की तरफ बनता है। हैमर में उस दिन की ट्रेडिंग रेंज के ऊपर एक छोटी सी रियल बॉडी बनती है और साथ साथ बनता है लंबा लोअर शैडो। जितना लंबा लोअर शैडो होगा उतना ज्यादा पैटर्न को बुलिश माना जाएगा। पर साथ ही साथ हमें गोल्डन रूल ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न के दूसरे नियम को भी याद रखना चाहिए, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, जो हमें बताता है कि किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखें, यानी बदलाव की गुंजाइश रखें। सीधी सरल भाषा में समझे तो पैटर्न कभी भी परफेक्ट शेप में नहीं हो सकता, थोड़ा 19-20 भी चल जाएगा। वैसे हैमर किसी भी रंग का हो सकता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, उसका रंग कुछ भी हो, ज्यादा महत्वपूर्ण है शैडो टू रियल बॉडी का रेशो। इस पैमाने पर उसे खरा उतरना जरूरी जरूरी है। वैसे कुछ ट्रेडर को हरा रंग का हैमर बेहद पसंद आता है, उन्हें उसी बात से भरोसा होता है और वे वहीं ट्रेडिंग करते हैं, पर आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर किसी भी रंग के हैमर को चुन सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। चलिए हैमर को चार्ट के माध्यम समझते हैं ताकि आपके मन में कोई भी डाउट न रहे पेपर अम्ब्रेला कैंडलस्टिक पैटर्न को लेकर। अभी हम यहाँ पर एल्कम स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट देख रहे हैं। अभी तक जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ एल्कम में एक अप ट्रेंड चल रहा था, यानी कि तेजी की तरफ शेयर बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं यहाँ से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है एल्कम में, धीरे धीरे करके एल्कम का शेयर नीचे आने लगा है। हम विचार करेंगे अगर हमें यहाँ से एक हैमर कैंडल मिलती है, बुलिश हैमर मिलता है, तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे एल्कम में और अपना प्रॉफिट कमाएंगे। अभी तक हमें यहाँ पर हैमर नहीं देखने को मिला है, देखते हैं हैमर जब भी हमें मिलेगा तब से क्या ये शेयर अपना रुख बदलता है
या नहीं बदलता। इसके साथ हमें हैमर यहाँ पर दिख गया है और उसी के बाद देखिए नेक्स्ट कैंडल कितनी अच्छी ग्रीन बनी है और धीरे धीरे करके शेयर ऊपर जाने लगा है। एल्कम के चार्ट के माध्यम से ये देखा कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर के द्वारा भी हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं और एक शॉर्ट प्रॉफिट कमा कर हम 2-4-10 दिन में निकल सकते हैं। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट के माध्यम से हम ये देखेंगे कि कैसे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के द्वारा हम एक बड़े समय पर अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं और शायद हमेशा हमेशा के लिए हम किसी शेयर में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो और हम बहुत बड़ा प्रॉफिट, मल्टी बैगर जिसे स्टॉक बोलते हैं, ऐसा रिटर्न हम किसी शेयर में बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट। जैसे कि हमने अपनी थ्योरी में पढ़ा, यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा था लेकिन इसके बाद यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल का शेयर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अभी तक हमें हैमर के दर्शन नहीं हुए हैं और इसी के साथ हमें यहाँ पर हैमर मिल चुका है। इसके साथ हम यहाँ पर एंट्री करेंगे और धीरे धीरे हमारा शेयर इसके साथ ही ऊपर जाने लगा है और लंबे समय तक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं चार्ट के माध्यम से भी कि कितने लंबे समय तक अभी तक भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और हमने एक बहुत बड़ी गेन, बहुत बड़ी स्विंग ट्रेड, बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल में कमा सकते थे अगर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के द्वारा हम ट्रेड करते तो। ये एक लंबी ट्रेड होगी जो काफ़ी सालों तक चल सकती है और अब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न से भी। तो चलिए बुलिश पैटर्न हैमर को अच्छे से समझने के बाद अब समझते हैं बेरिश पैटर्न हैंगिंग मैन को। अगर किसी ट्रेंड के एकदम ऊपर की ओर पेपर अम्ब्रेला बनता है तो उसे हैंगिंग मैन कहते हैं। बेरिश हैंगिंग मैन एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो यह बताता है कि बाजार की दिशा अब बदलने वाली है, तभी तो इसे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी कहते हैं। हैंगिंग मैन ये बताता है कि बाजार अपनी उच्चतम स्तर पर है, अपनी ऊंचाई तक पहुंच गया है, बस अब इसके बाद जो आने वाला ट्रेंड है वो है बेरिश ट्रेंड। अब यहाँ से बाजार थोड़ा नीचे जाएगा। हैंगिंग मैन को हैंगिंग मैन तभी कहते हैं जब इससे पहले का ट्रेंड तेजी का हो, यानी बुलिश ट्रेंड हो। इससे पहले बाजार अपनी उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है, अपनी ऊंचाई तक पहुंच चुका है, अब यहां से एक बेरिश ट्रेंड आने वाला, यानी बिकवाली का काफी दबाव है, सब अपना प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं। हैंगिंग मैन में कैंडल किसी भी रंग का हो सकता है, बस वो अपनी शैडो टू रियल बॉडी की अपनी शर्त को पूरा करे। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैंडल का रंग कौन सा है, बस इतना होना चाहिए हैंगिंग मैन के बनने से पहले ट्रेंड तेजी का होना चाहिए, तभी हैंगिंग मैन वैलिड माना जाता है। चलिए चार्ट के माध्यम से समझते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न को, ताकि हम भी इसका फायदा उठाकर ट्रेड ले सकें और शॉर्ट काट कर या अपनी लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके अपना प्रॉफिट बना सकें। अभी हम अपोलो टायर का डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट देख रहे हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, लगातार ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बन रही है और एक पॉइंट पे जाने के बाद यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल होता है और हम इंतजार कर रहे हैं अपने हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न का बनने का। जैसे ही हमें हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न बनता दिखता है उसके बाद हम दिन के एंड पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, ताकि आने वाले कई दिनों तक हम शॉर्ट पोजीशन के द्वारा अपना लाभ या अपना प्रॉफिट अर्न कर सकें। लगातार 3-4 दिनों तक शॉर्ट पोजीशन से हम काफी यहां पर अर्न कर पाए बिकॉज ऑफ हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। आइए देखते हैं एक्सिस बैंक में ये किस तरह से वर्क करता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं लगातार यहाँ पर भी लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, लगातार यहाँ पर ग्रीन पर ग्रीन कैंडल आ रही है और हमें एक पॉइंट के बाद नजर आ रहा है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। अब बस हमें इंतजार है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन का। जैसे ही हमें हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है उसके बाद दिन के अंत पर हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और लगातार कितने दिनों तक हमें शॉर्ट पोजीशन होने के कारण कितना सारा प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं। इसी के साथ हमने आइडेंटिकल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, पेपर अम्ब्रेला के टाइप, हैमर और हैंगिंग मैन में डिफरेंट समझा एग्जांपल सहित, और यह भी सीखा कि टेक्निकल एनालिसिस से सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के द्वारा हम किस तरह से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और दोस्तों मानिएगा, ये तो बस शुरुआत है। आने वाले टेक्निकल एनालिसिस के लेसन से आप बेहद ही आसान से अपने प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना शेयर को देखने का नजरिया ही बदल सकते हैं। आई होप आपको टेक्निकल एनालिसिस सीरीज से नॉलेज मिल रही होगी और साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। फिर भी आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और साथ साथ आप हमें ये भी बताइएगा कि दोनों पैटर्न में से आपको कौन सा पैटर्न
अच्छा लगा जिसमें आप आने वाले समय में ट्रेडिंग कर सकते हो। और आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां पर हम आपके लिए खूब सारी मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करते रहते हैं। साथ साथ आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और हम आपको ट्विटर पर भी मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के वादे के साथ आपसे लेना चाहता हूँ अलविदा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।